करो। तमिलनाडु की जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को सोमवार को बेतिया कोर्ट में पेश किया गया। 130 दिनों के बाद जैसे ही मनीष कश्यप बेतिया पहुंचा, समर्थकों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। इन सब के बीच जैसे ही मनीष कश्यप ने अपनी मां को देखा, उन्हें देखकर भावुक हो गए। पहले तो मनीष कश्यप को मां से मिलने नहीं दिया गया। काफी मशक्कत के बाद मनीष की मां अपने बेटे को देख सकी। जैसे ही मनीष की मां कोर्ट रूम में पहुंची, मनीष कश्यप की आंखें डबडबा गई। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मदुरई जेल से यूट्यूबर मनीष कश्यप को कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार लाया गया। उसके बाद उसे बेतिया के स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया। मनीष कश्यप को बेतिया लाए जाने की खबर उसके समर्थकों और चाहने वालों को लग गई थी। उसके बाद स्टेशन पर ही मनीष कश्यप को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रेन से उतरने के बाद उन पर समर्थकों ने फूल भी बरसाए। इसी वजह से मनीष कश्यप की सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजाम भी किए गए। तमिलनाडु से मनीष कश्यप को ट्रेन से लेकर पुलिस बेतिया पहुंची। स्टेशन से सीधे मनीष कश्यप को SP ऑफिस लाया गया, जहां से बाद में उसे कोर्ट ले जाकर पेश किया गया। SP ऑफिस से लेकर कोर्ट तक मनीष कश्यप के समर्थक भारी संख्या में जुटे रहे और लगातार उसके पक्ष में नारेबाजी की। बेतिया कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी जिस मामले में हुई, वो 2020 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। उस वक्त मनीष कश्यप पर चनपटिया से BJP विधायक उमाकांत सिंह के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान मारपीट करने और रंगदारी मांगने का आरोप लगा था। उससे जुड़े केस मझौलिया थाने में दर्ज हुए थे। इसी मामले में नामजद अभियुक्त त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप को बेतिया न्यायालय में पेश किया गया। इतना ही नहीं, मनीष कश्यप के खिलाफ इसी साल मार्च महीने में मझौलिया थाने में एक और मामला भी दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।